एसएससी में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक ऐसी पोस्ट है जहां बच्चे को टैक्स असिस्टेंट नहीं मिलता है, फिर भी वो एक पोस्ट ले जाता है। तो आप भी क्या है, अगर आपके मार्क्स सफिशिएंट हैं, आफ्टर रॉ मार्क्स के बाद नॉर्मलाइज आएंगे और रॉ मार्क्स में भी आपको पता लग जाएगा कटिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके इतने मार्क्स जा रहे हैं। तो अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आप अभी से तैयारी करते हो, बहुत कम टाइम में बहुत इफ़िशेंटली आप एक पोस्ट फिक्स कर लोगे। 32 की इसमें एज लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं होती। लास्ट एज लिमिट इसी में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स जैसा इसका सिस्टम होता है, लेकिन इसमें 40% तक जो है न्यूमेरिकल, 60% न्यूमेरिकल और 40% तक थ्योरी कवर होती है। और अगर आप नॉर्मल सोचो कि मैं 2 दिन या 3 दिन में पढ़कर ले आऊँगा, तो 2 दिन या 3 दिन में पढ़कर लाने पर इसमें मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मिनिमम एसएससी ने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है 60, 50 एंड 40 कैटेगरी वाइज। तो इसमें आपको एक नॉर्मल तरीके से तैयारी करनी जरूर पड़ेगी। और आप, ये हो सकता है फॉर्मूला बैंक आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप 50% तक कवर कर लोगे, लेकिन जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे आपकी श्योरिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 200 नंबर का पेपर हुआ T1 का, 100 क्वेश्चन का सभी ने दे रखा है। उसके बाद आपके मार्क्स आए, देन आपकी 3 लिस्ट आएंगी, वहाँ पर आप देखोगे कि आपका WO की है, JSO है और तीसरी लिस्ट में। तो वहाँ आपके ये 2 पेपर जो हैं ये तो कंपलसरी है, मेंस में होंगे ही होंगे सभी के, चाहे वो किसी भी लिस्ट में हो, मैथ्स एंड इंग्लिश के। अगर आप JSO की लिस्ट में हो तो स्टैट्स का एक अलग से पेपर होगा जिसमें होगा 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। अब आपको मेन इस पर फोकस करना है, क्योंकि हर एक बच्चे की दोनों चीज़ सही नहीं होती। किसी बच्चे की मैथ अच्छी होती है, किसी बच्चे का जो है इंग्लिश में प्लस पॉइंट होता है। तो जहाँ आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है उसकी जगह आप इसकी तैयारी कर सकते हो। यहाँ आप बढ़ाओगे 30 नंबर, हो सकता है आपको लास्ट में जाके टैक्स असिस्टेंट ना मिले, क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ है कि बच्चों के 400 समथिंग मार्क्स थे आउट ऑफ 400 नॉर्मलाइज मार्क्स उनके, मतलब कि नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ मैं, 400 मार्क्स थे और यहाँ पर उनके जितने भी मार्क्स थे और यहाँ उनके 60 अगर एवरेज लेके चलते हैं तो फाइनल में उनके बन रहे थे 630। यहाँ अगर मैं 170 मान के चलता हूँ तो उनके फाइनल में 630 पर उनको कोई भी टैक्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट नहीं मिलती थी। इनकेस अगर उनके T1 में 190 भी स्कोर होता तो भी उनको कोई पोस्ट नहीं मिलती, अगर एज का क्राइटेरिया उनका फंस जाता तो। तो आप इस जो है इस एग्ज़ाम को देकर बहुत अच्छे से एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। अब लास्ट ईयर का सिनारियो देखते हैं। देखो 2018 में T1 की कट ऑफ थी आउट ऑफ 200 140 129 162 165 EWS कैटेगरी उसमें शामिल नहीं थी 2018 में। 165 कट ऑफ थी, 165.96 T2 यानी कि जब मैथ इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर हो गया 200-200 नंबर का, यानी 800 तो 200 ये और 200 के तीनों, यानी कि 800 में से कट ऑफ आई 572, 510, 460 और 463। वहीं T3 का जब पेपर हुआ 100 मार्क्स ऐड हुए तो 900 में से कट ऑफ आई 584। अब आप देख रहे हो 100 में से जो कट ऑफ आई है, 900 में से जो कट ऑफ आई है वो कितनी थी, 584। और इसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आई वो आई थी 626, और इसके साथ 541, 515 ST के लिए, 626 जो है OBC के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये थी JSO में बच्चे को जॉब मिल गई थी, और जो टैक्स असिस्टेंट के लिए मिनिमम कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट 547 समथिंग गई थी, 547 आउट ऑफ 700 कट ऑफ गई थी। अब यहाँ इसके बीच में डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है डिफरेंस लगभग 80 मार्क्स का है, 80-70 मार्क्स का डिफरेंस है। और ये जो है मार्क्स आपको 200 में से लाने थे, 200 वाले जो स्टेट्स पेपर में से, और बहुत इजीली आप ला सकते थे 2018 में, बहुत इजी पेपर था। तो जिन बच्चों ने 80 से ऊपर स्कोर किया था डेफिनेटली उनको एक पोस्ट सिक्योर हो गई थी। और ऐसे कई बच्चे थे जिनके नंबर 520 530 UR कैटेगरी में थे और फाइनली उनको कोई पोस्ट नहीं मिल रही थी, टैक्स स्टैंड या UDC कोई पोस्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन उनको UR में जो है JSO अलॉट हो गया और उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। कई बच्चों के 140 प्लस मार्क्स थे तो उनको जो है रैंक के अकॉर्डिंग उनकी प्रेफरेबल स्टेट भी मिली। इसके अकॉर्डिंग देखो 2019 में, 2019 की फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, और 2019 में T1 में आउट ऑफ 200 जो है 165, 152, 154 ये कट ऑफ गई, EWS एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इसमें। ये T2 जो है मैथ इंग्लिश एंड स्टैट्स में आउट ऑफ 800 टोटल T1 को और T2 को मिलाकर जो कट ऑफ गई वो 488 गई थी। इसका कम जाने का कारण क्या था कि लास्ट 2019 में 1105 समथिंग वैकेंसीज थी जिसमें से 274 जो है JSO की थी जिसमें सभी एलिजिबल थे, और SI2 की कम वैकेंसी, SI2 में जो है वैकेंसी 800 करीब समथिंग थी लेकिन उसमें कम बच्चे जो है एलिजिबल थे SI2 की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक तो ये चीज़ हुई, दूसरा बच्चे कम अपीयर हुए T2 के एग्ज़ाम में।
T2 के एग्जाम में जो स्टैट्स का पेपर था, बच्चे उसमें अपियर ही नहीं हुए, बहुत कम बच्चे अपियर हुए, 6,000-5,000 समथिंग बच्चे अपियर हुए। और फाइनल इसमें क्या है, एक और चीज़ थी, वो था मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया, वो भी बच्चे फुलफिल नहीं कर पाए। तो फाइनल जाके T3 में आउट ऑफ 900 में से ये कट ऑफ गई 536 पॉइंट समथिंग, और ये बच्चे थे 1800 समथिंग बच्चों ने पास किया। यहाँ पर भी सेम 1800 बच्चों ने पास किया, तो कंप्लीट बच्चे यहाँ पर पास हो गए कुछ बच्चों को छोड़कर। तो T3 में जो कट ऑफ थी वो 536, 503, 480, 404, 417। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, एक स्टैट्स का आप पेपर एक्स्ट्रा देते हो तो एक यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं अभी भी जिनका List 2 में नेम है, ओनली List 2 में, यानी कि उनके पास उनके जो नंबर हैं UR में, जो अगर UR की बात करता हूँ तो 605 मिनिमम टेस्ट की कट ऑफ गई है, 624 जो है CPT की कट ऑफ हुई है। 624 से कम कट ऑफ तो जाना पॉसिबल ही नहीं है UDC या टैक्स असिस्टेंट के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 605 से भी कम है, और कई बच्चे भी ऐसे हैं जिनके 624 से भी कम है, लेकिन उनमें से कई बच्चे GSO के लिए एक जॉब ले जाएंगे, GSO पोस्ट एक डेफिनेटली पोस्ट ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 580 हैं और फाइनल में उनके अच्छे खासा स्कोर हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक पेपर को देकर अपना एक पोस्ट सिक्योर कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो। यहाँ आपको क्या है, एक PDF कोर्स वीडियो और एक टेस्ट सीरीज़ का हमने कम्बाइंड जो है मटेरियल रखा हुआ है, और उस मटेरियल में आप परफेक्टली तैयारी करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। बहुत कम टाइम का कोर्स है, और इसमें आप PDF में जो हमारी तरफ से मिलेगी आपको, उसमें आप थ्योरी कवर कर सकते हो कम्प्लीटली, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव बहुत ही प्रिसाइज वे में, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव थ्योरी लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, बहुत ही समझने में आसान है और इजीली समझ सकते हो, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही रखी गई है। चैप्टर वाइज उसमें फॉर्मूला बैंक दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनके बेसिस पर आप मिनिमम 50% तो स्कोर कर ही सकते हो सिर्फ फॉर्मूला याद करके, तो वो फॉर्मूला बैंक उसी चैप्टर वाइज मेंशन की हुई है अलग से। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको जरूर लगा लेना आफ्टर परचेजिंग दिस कोर्स। टिप्स एंड ट्रिक्स मेथड भी दिए हुए हैं कि जो कोर्स जितने भी क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बाय ट्रिक। यहाँ पर कई क्वेश्चनों में ट्रिक लग जाती है, कई क्वेश्चनों में नहीं लगती है। इसके साथ वीडियो कोर्स भी है जिसमें थ्योरी को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सॉल्यूशन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज, आपको दोनों मिल जाएंगी चीज़ें ईयर वाइज और चैप्टर वाइज। चैप्टर जो होगा उसके अकॉर्डिंग जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और जो ईयर वाइज पेपर हुए हैं फ्रॉम 2013 से लेके लास्ट 2019 तक, वो सभी आपको 8 पेपर कम्प्लीटली सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। इसके साथ कंप्लीट जितने भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे उनमें से मैक्स ट्राई यही है कि अगर कोई ट्रिक लग रही है तो वो भी आपको बताई गई है, और हिंदी और इंग्लिश में ये भी कम्बाइंड है। इसके साथ टेस्ट सीरीज में जो है 10 पेपर हमने नॉर्मली रखे हुए हैं, और 8 पेपर जो है लास्ट ईयर के हैं फ्रॉम 2013 से लेके 2019 तक, जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रेशियो है वो आपको टेस्ट में बैलेंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये 18 सेट होंगे, अच्छे से लगाओगे तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक पोस्ट सिक्योर कर लोगे। मैं आपको अगेन चीज़ कह रहा हूँ, प्रिसाइसली परफेक्टली तैयारी करो तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, और ये बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पर अगर आप एक पोस्ट सिक्योर करते हो तो, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और मार्क्स जो है SSC जिस हिसाब से पेपर लेता है, जिस हिसाब से पेपर सेट करता है, उसमें कई बार अच्छा स्कोर आने पर भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, ये चीज़ें हैं, इनको परफेक्टली आप पढ़ो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जितना हो सकता है शेयर जरूर करना। थैंक यू, गुड लक।